भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में एक बेटी ने नाजायज प्यार में पड़कर अपनी मां की हत्या कर दी थी। बेटी का अपने ही फूफा के साथ प्रेम संबंध था। अपनी बेटी के फूफा के साथ संबंधों का मां ने विरोध किया। मां के रोज रोज के तानों से परेशान होकर बेटी ने अपने प्रेमी फूफा के साथ मिलकर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। 21 अगस्त को कुसियारा जंगल में जमुना कॉलोनी वार्ड नंबर 4 निवासी मंजू विश्वकर्मा पति जमुना विश्वकर्मा का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि महिला की हत्या गला रेत कर की गई थी। पुलिस ने मृतका की बेटी से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका की बेटी व उसका फूफा ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद मृतका के नंदोई लाल बहादुर के कहने पर मृतका की बेटी विनीता विश्वकर्मा ने थाने पहुंचकर मां के गुमने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज करते हुए महिला की तलाश पर जुट गई। दूसरे दिन महिला का शव छत विछत कुसियरा के जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने पहले मृतका की बेटी से ही पूछताछ शुरू की थी। विनीता विश्वकर्मा का अपने फूफा नंदोई लाल बहादुर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर मंजू को एतराज था। इन्हीं दोनों ने मिलकर मंजू को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। पहले इन्होंने हत्या की, उसके बाद मंजू के गुम होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या के मामले से पर्दा उठाते हुए बेटी और नंदोई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। SDOP कोतमा ने बताया कि मृतका को रास्ते से हटाने के लिए 20 अगस्त को झाड़ फूंक के बहाने मंजू को कुसियारा मरघटी के जंगल में ले जाकर बाका से गला रेत कर हत्या कर दी। पूछताछ पर यह भी सामने आया कि बेटी विनीता विश्वकर्मा भी मां की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थी। घटना में उपयोग किया गया बाका व बाइक को जब्त कर लिया गया है। आरोपी लाल बहादुर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए हत्या के 3 दिन पहले से चिरमिरी में था। घटना की रात जमुना आकर घटना को अंजाम देकर वापस चिरमिरी चला गया था। रिश्ते के नंदोई लाल बहादुर विश्वकर्मा से इस संबंध में पूछताछ जब की गई तो उन्होंने अपने द्वारा अपराध करना स्वीकार किया है और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी सगी रिश्ते की भतीजी से उनको जो है प्रेम हो गया था और जिस पर से उनकी माँ को एतराज था, इसी के चलते माँ को झाड़ फूंक करने के बहाने वो मरघटिया में ले गए थे और वहाँ उन्होंने धारदार हथियार से मृतका की हत्या कर दी थी।